नमस्कार मित्रों, आज तो शब्द आरपीएन सिंह जी के ही चलेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक नेतृत्वों के उपस्थिति में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दो उपमुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोगों की वरिष्ठ सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उत्तर प्रदेश की सहप्रभारी तथा देश की सूचना और युवा व्यापार विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी जी, संजय मयूक जी तथा आज भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व, आज पुनः उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम जनता के पास उसी विकास, गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश में सुधरी हुई कानून व्यवस्था को लेकर हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। उस समय में हमें अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, विकास के मुद्दे को अपनाते हुए, गरीब कल्याण की सही मायने में विश्वास रखते हुए उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। और आरपीएन सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति है जिनके बारे में एक शब्द कहना उचित होगा। कभी कभी हम हमारे जो दो, मेरे लिए तो बड़े अत्यंत प्रसन्नता की बात है, जब से मैं 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था कि सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे तब मैं उनको एक बार हमारी इलाके की कुछ प्रसंग लेके गया था, फिर भी उनको भी बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूँ, सिंधिया जी पहले आ गए थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। मैं आज के अवसर पर फिर उनको पार्टी में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी,
ओजस्वी केंद्र में गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को धर्म राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 5-4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने की है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं, कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।